हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे घर में सेफ होंगे। चलिए, सो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने डिस्कस किया था प्लांट्स की लीफ पार्ट के बारे में। हमने पढ़ा था, हमने लीफ के कई सारे पार्ट्स देखे थे। ओके, देन लीफ के जो पार्ट है लैमिना वाला पार्ट, उस लैमिना पार्ट पे किस तरीके से वेन्स अपने आप को अरेंज करके रखता है और उसे क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। सो वेनेशन देख लिया था, वेनेशन के टाइप देखे थे और वेनेशन और रूट सिस्टम, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी देखा था बच्चों, है ना। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीफ। क्या देखेंगे बच्चों? फंक्शंस ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि लीफ का जो है क्या क्या काम है। ठीक है, लीफ कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन बच्चों लीफ का, वो है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। क्या करता है बच्चों लीफ? फूड को मैन्युफैक्चर करने में लीफ हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जो फूड बनता है बच्चों प्लांट में, वो प्लांट के किस पार्ट में बनता है? वो प्लांट के लीफ वाले पार्ट में बनता है। ठीक है, तो लीफ का क्या क्या काम है बच्चों? तो लीफ का काम है खाने को प्रिपेयर करना, प्लांट के लिए भोजन को बनाना। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम ह्यूमन बींग्स हम जब फूड प्रिपेयर करते हैं, तो हम किचन में फूड प्रिपेयर करते हैं, तो बेटा फूड प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स को पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम मटेरियल्स का यूज़ करके हम खाने को बनाते हैं ना। ठीक है, अगर आपको रोटी बनानी है, अगर हमें चपाती बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें पहले एक वीट फ्लोर चाहिए। ठीक है, वीट फ्लोर बिना तो आप चपाती नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर हमें पुलाव बनाना है, तो पुलाव बनाने के लिए हमें चावल चाहिए, हमें पानी चाहिए, उसके बाद हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए। अगर आपको वेज पुलाव बनाना है, वेज बिरयानी बनानी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप फूड को प्रिपेयर करने के लिए पहले मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं, पहले हम इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर ही आपका फूड जो है वो प्रिपेयर होता है। तो प्लांट जब फूड प्रिपेयर करता है बच्चों, प्लांट जब अपना खाना बनाता है लीफ में, तो हमारे प्लांट को भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। बिना मटेरियल्स तो फूड बनेंगे नहीं। तो कौन कौन से मटेरियल्स की हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करता है। सबसे पहले यूज करता है वो सनलाइट। ठीक है, किसका यूज करता है? सनलाइट, सूरज की रोशनी का यूज करता है बच्चों सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, और क्या चाहिए होती है प्लांट को खाना बनाने के लिए? तो उसे चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड थिंग। उसके बाद तीसरा मटेरियल क्या चाहिए होता है उसको? वाटर, पानी। पानी के बिना भी प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बिना भी प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। सनलाइट, इसके बिना भी प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। और उसके बाद और क्या चाहिए होता है बेटा? तो क्लोरोफिल। क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। जो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? एक क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है, ये एक ग्रीन पिगमेंट है। ये क्या है? ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट है। और ये पिगमेंट कौन से सेल में प्रेजेंट होता है? तो ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी पिगमेंट की वजह से जो पत्तियां हैं वो हरी भरी नजर आती है, ग्रीन कलर की नजर आती है बच्चों। तो ये चार चीजें हैं, चार मटेरियल है, जिन मटेरियल का यूज करके जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। और भी बहुत सारे अदर मिनरल्स की भी जरूरत होती है बेटा, है ना। ठीक है, अदर मिनरल्स ऑल्सो,
ओके तो ये क्या है बेटा, ये वो मटेरियल्स है जिन मटेरियल्स की हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा, ठीक है। सो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सम अदर्स मिनरल्स, क्लियर, ठीक है। अब देखिए प्लांट जो अपना खाना प्रिपेयर करता है बच्चों, तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्रिपेयर करता है ना अपना फूड, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस ये क्या है बेटा, ये प्रोसेस का नाम है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही, इसी प्रोसेस से जो प्लांट है वो फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है इसको आप डिवाइड कीजिए, एक वर्ड आता है आपका फोटो, ठीक है। इस पूरे वर्ड में एक आपका निकल कर आता है वर्ड फोटो, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है बेटा? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो वर्ड का मतलब क्या है? लाइट। और सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है बेटा? तो सिंथेसाइज का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, ओके। सो फोटो मीन्स लाइट, लाइट किसकी? सन की। लाइट किसकी? सन की। तो सन की लाइट से, ठीक है, सन की लाइट से फूड को प्रिपेयर करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? फोटोसिंथेसिस क्या होगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस क्या होगा ये क्लियर है? कौन कौन से मटेरियल्स नीडेड है प्लांट को फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये मटेरियल क्लियर है अपने को? सो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड। सो देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पे कि जो प्लांट को लाइट है वो तो सन से मिल रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है प्लांट को? तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, ठीक है। सोर्सेज भी तो जानने जरूरी है ना, जैसे आप कोई भी मटेरियल खाना बनाने के लिए, कुछ कुकिंग करने के लिए आप जो भी मटेरियल लेकर आते हैं वो मटेरियल आप कहीं से लेकर आते हो ना। जैसे आपको सब्जी बनानी है, जैसे आपको भिंडी की सब्जी बनानी है, तो बेटा भिंडी की सब्जी के लिए आपको भिंडी चाहिए और वो भिंडी आप कहीं से लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप सब्जी वाले के यहाँ से भिंडी को लेकर आते हो ना, सेम उसी तरीके से बेटा यहाँ पे खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए, पर वो लाइट आप लेकर कहाँ से आते हो? तो वो लाइट हमको मिलता है सन से, ठीक है। प्लांट को कहाँ से मिलता है लाइट? सन से मिलता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से है प्लांट को? एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। वाटर, अब देखिए पानी भी चाहिए, पानी कहाँ से मिलता है बच्चों? तो जो वाटर हम प्लांट में डालते हैं, ठीक है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स करता है, ठीक है। जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सबसे पहले, और रूट्स एब्जॉर्ब करके फिर उस वाटर को कहाँ भेजता है? स्टेम में। और स्टेम क्या करता है बेटा? स्टेम बाकी के पार्ट्स तक वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हमने पढ़ा था, स्टेम का काम है ये कि स्टेम क्या करेगा? कंडक्शन करता है, कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को, ट्रांसपोर्ट भी करता है बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में। तो आपको वाटर कहाँ से मिला ये समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला ये समझ में आ गया, लाइट कहाँ से मिला ये समझ में आ गया, ठीक है। क्लोरोफिल, तो बेटा क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट सेल में प्रेजेंट है, ओके, क्लियर। अब ये जो क्लोरोफिल है इसका काम क्या होता है बेटा? तो ये क्लोरोफिल का काम जो होता है वो होता है कि सन की लाइट को ये ट्रैप करने का काम करता है। क्या करता है ये? सन की लाइट को ट्रैप करने का काम करता है, मतलब जो भी सन की लाइट पत्तियों पे आएगी, ठीक है, जो भी सन की लाइट लीफ पे, जो भी सन की लाइट गिरेगी वो क्या करेगा, ये क्लोरोफिल क्या करेगा? उस सन की लाइट को ये ट्रैप कर लेगा, ठीक है। और ट्रैप करके फिर उसी सनलाइट को, मतलब जो लाइट एनर्जी मिल रही है उसी लाइट एनर्जी का यूज करके वो केमिकल रिएक्शन करेगा, मतलब जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? केमिकल एनर्जी में,
कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका एक केमिकल रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनकर आएगा, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बनाता है प्लांट, वो प्रोडक्ट उसका फूड होता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में बनाता है बेटा, तो जो प्लांट का जो फूड होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर फॉर्म्ड करता है, ठीक है, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, और यही ग्लूकोज हमारे प्लांट का फूड होता है, ठीक है। देखिए यहां हम एक इक्वेशन देखेंगे और उसी इक्वेशन से समझेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CO2, क्या होता है CO2, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, साथ में वाटर H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला है ये H2O, ये दोनों क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। और क्या चाहिए प्लांट को? तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 मिल गया एटमॉस्फेयर से, वाटर मिल गया रूट से, उसके बाद इसको सनलाइट चाहिए, ठीक है, इस एरो के ऊपर लिखेंगे हम सनलाइट चाहिए, और क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। जब ये चारों चीजें एक साथ होंगी, ये सनलाइट अपने साथ लाइट एनर्जी लेकर आती है, और इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके कौन रखता है बेटा? तो ट्रैप करके रखता है ये क्लोरोफिल, ठीक है, इसको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके इसी लाइट एनर्जी का यूज करता है और केमिकल रिएक्शन करवाता है, और ये लाइट एनर्जी बदल जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, जब ये दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ये इतना बड़ा फॉर्मूला ये अपने ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर, ठीक है, एक सिंपल शुगर है। C6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, C6H12O6, साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को भी ये बाहर निकालते हैं। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? ये रिलीज करता है, बाहर करता है, ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब यहां पे देखो, हमें इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करना होगा। मतलब यहां कार्बन कितने बेटा? 6 कार्बन है, और यहां कार्बन क्या है? सिर्फ एक है, तो मुझे यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, ठीक है, तो जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6CO2 लिखूंगी, तो कार्बन मेरे 6 हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन देखो कितने हो गए बेटा, तो ऑक्सीजन हो गए 6 × 2 = 12, मतलब 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब इधर देखिए ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, यहां पे जो ऑक्सीजन है वो है 6 ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर कितने ऑक्सीजन है? 12 ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना होगा बेटा? 12 ऑक्सीजन बनाना होगा, बनाने के लिए इधर ऑक्सीजन के आगे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरा क्या हो गया? 6 × 2 = 12 ऑक्सीजन यहां पे हो गया, ठीक है। आप वाटर में हाइड्रोजन कितना है? यहां वाटर में हाइड्रोजन है 2, और इधर देखिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 12, H12 है ना, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को 12 बनाना होगा, 12 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो 6 × 2 = 12। अब देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया? 12 हो गया, और इधर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? 6, मतलब 6 ऑक्सीजन
12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन. देखिए 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन. ठीक है, जितना इधर कार्बन का अमाउंट है, जितना हाइड्रोजन का अमाउंट है, जितना ऑक्सीजन का अमाउंट है, उतना ही हमारे प्रोडक्ट में है. और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 12 बन रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे 12 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. क्लियर, तो 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स ग्लूकोज. फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 प्लस 6O2. ये आपका ऑक्सीजन. तो ये हमारी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बन गई बेटा. ये क्या बन गया, फोटो सिंथेसिस की इक्वेशन. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये. क्लियर, ठीक है, मतलब पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आपने एक लाइन में, शॉर्ट में आपने लिख दिया और समझा दिया. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन किसे कहेंगे, मतलब इस इक्वेशन के थ्रू, एक इक्वेशन के थ्रू, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा रहे हैं. अब देखिए ये जो ग्लूकोज है यही हमारे प्लांट का क्या है, फूड है. ठीक है, ये प्लांट का फूड है. अब प्लांट क्या करता है बेटा, जितना प्लांट को यूज करना होता है फूड वो यूज कर लेता है, कुछ अमाउंट जो फूड को वो स्टोर करके भी रखता है. मतलब प्लांट जो है वो थोड़े से अमाउंट ऑफ फूड को क्या करता है बेटा, स्टोर करके रखता है. स्टोर करके क्यों रखता है, स्टोर करके रखता है ताकि बाद में कभी ऐसा टाइम हो, मान लीजिए रात के समय. अब रात के टाइम तो बेटा सन की लाइट तो होती नहीं है, तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा, तो उस टाइम पे किस तरीके से जो प्लांट है वो कैसे जिंदा रहेगा. तो जो खाना वो उसने दिन में बनाया है उसमें से कुछ खाना वो स्टोर कर लेता है. ठीक है, स्टोर कर लेगा ताकि वो खाना रात में काम आ सके. तो सेम जो हमारा फूड जो प्लांट स्टोर करता है, ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है बेटा, तो स्टोर एज अ स्टार्च के फॉर्म में. किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में जो प्लांट है वो अपने फूड को स्टोर करके रखता है. ठीक है, क्लियर. तो आई होप आपको ये पूरा फोटोसिंथेसिस समझ में आया होगा, किस तरीके से सन की लाइट की हेल्प से प्लांट जो है वो अपने फूड को प्रिपेयर करता है, और कैसे लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और केमिकल रिएक्शन करती है, और केमिकल रिएक्शन करके वो फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. बेटा ये जो रिएक्शन को जो बैलेंस करना बताया था, ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो देखिए आगे की क्लासेस में आप और अच्छे से सीखेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से हम ये जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करते हैं. मतलब जितना कार्बन मैंने यहाँ लिया उतना ही कार्बन मेरे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिया उतना ही हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए. ठीक है, तो ये बेटा एक रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है. ठीक है, आपके बुक में अगर ये रिएक्शन नहीं है तो भी आप यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं. ठीक है, आपके बुक के अंदर अगर ये रिएक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि इस तरीके से आप इसको सिंबल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में आप इक्वेशन को लिख लेना यहाँ से. ठीक है, ओके, तो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो समझ में आ गया होगा बच्चों.